मोर्चा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं पक्के मोर्चे पे, शहीद भगत सिंह स्टेडियम पे, और हमारे साथ हैं कुछ किसान। अब इनसे हम करते हैं बात। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, आपका मोर्चा न्यूज़? मैं बलराज सिंह जी, पक्के मोर्चा धरना दिता हुआ जी कई दिनों तो। असी दो तीन दिन दिल्ली ला के आए हैं जी। दिल्ली का हालात यहोजे ने कि जो आदमी नहीं ना गया वह भी पछताएगा, लेकिन मैं कहना भी हर इंसान उत्थे जाना चाहिए। उत्थे असी गए, वेख्या बीबिया बच्चे बजुर्ग इन्ने मतलब उत्साह ना उन्होंने विच के मोदी की निकर गिली हुई है। गल्ला सुन सुन के जिस हिसाब न उत्थे काम चल रहा, उत्थे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। खाण पीण की, रहन सहन की, मतलब ये तो महसूस ही नहीं होता भी असी सड़कों पर पे हाँ। असी मेरे साथी सुरजीत सिंह जी ने असी दो रात उ ला के आए, दो दिन तो मतलब उत्थे तो एक अलग ही चीज़ है। इन्ना जोश मेरा ख्याल है इतने किसी च नहीं, इतना साढ़े इसे धरने च भी नहीं है जिन्ना उत्थे जनता जोश है। हाँ, देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे, निके निके बच्चे टिकरी बार्डर से गए, उत्थे मतलब इन रश सी भी मतलब सानू बोलन का उत्थे टाइम नहीं मिलिया। असी कोई नहीं आ गए, कोई अफसोस वाली गल नहीं है। असी कहने भी हर इंसान को दिल्ली मोर्चे पर जाना चाहिए। हुण जिन्ना जिन्ना डिले कर रही है मोदी सरकार, उन्ना उन्ना ही उत्थे ज़्यादा रश वध रहा। इस वास्ते कहने भी हर इंसान को दिल्ली जाना चाहिए, जाके अपने जो इतने बुजुर्ग बच्चे बीबिया भैन जी बैठिया ने उन्हों का साथ देना चाहिए, क्योंकि असं खुद किसान के पुत्त। कुछ किसान शहीद हुए हैं, उनके बारे में आप? जो किसान शहीद हुए हैं उनकी ये 20 तारीख को श्रद्धांजलि उनको दी है, लेकिन उनके बारे भी बात चल रही है। उनको क्लेम के लिए भी उनका मुआवजा दिया जाए उनको, लेकिन उनका खाता तो पूरा नहीं हो सकता जो गुजर रहे बेचारे। लेकिन फिर भी हम उनके साथ हैं, जो शहीद हो या ना बच्चे या बुजुर्ग जितने भी हुए हैं उनके साथ हैं। हम उनका पूरा संजोग करेंगे, जिधर बढ़ चढ़ के संजोग करेंगे। जैसे शंभू बॉर्डर पर वो पूरी जनता वहाँ बैठी है, मैं कहना पंजाब पूरा ही घर से आ गया। एक गांव की बात सुनी हमने, एक गांव से 900 वोट हैं, कहते जी 900 में से 40-50 आदमी हमारे गाँव में हैं, बाकी सब चले गए। एक सरपंच है वहाँ का, इतना काबिल तरीफ है, उस सरपंच ने जिम्मेवारी ली है कि गाँव का सारा काम मैं संभालूंगा, जो दो चार मजदूर हैं यहाँ रह जाएंगे, खेती बाड़ी पशुओं को पट्ठे पाने कुछ भी करना है सारा समान मैं संभालूंगा, सब गांव वहाँ चला गया। मैं कहता हूँ इसी तरीके से हर आदमी को दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली जाके देखना चाहिए भी वहाँ क्या है। वहाँ से आने को दिल नहीं करता, कुछ एक मजबूरियाँ होती है कि मेरे जैसे वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ तो इतना है ना, जितना हम ज़्यादा दबाव पाएंगे उतना ही उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है बीजेपी सरकार का। कितनी मीटिंगें हुए, मीटिंग में कुछ फैसला? कोई फैसला नहीं, जैसे वो कह रहे हैं उनकी मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो सकता जी, क्योंकि वो कहते हैं इसमें मैनेजमेंट कर देते हैं। मैनेजमेंट की किसान को ज़रूरत नहीं है, ये की ज़रूरत है कि कानून है जो इसको रद्द करो और उसके बाद अगली बात करेंगे, लेकिन वो कानून रद्द करने पर मोदी अड़ा हुआ है। कुछ कह रहे थे कि अपने जो कानून है उनमें बीच में करी जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये छोचे छोड़ रहे हैं जो मेरे जैसे दूसरे होते हैं ना, उनके जो ज़्यादा तले चढ़ते हैं बीजेपी के, वो ऐसे भाषण दे देते हैं, क्यों यूट्यूब पर डाल देते हैं, फेसबुक का डाल देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसानों का वहीं एक ही एजेंडा है कि जो काला कानून है इसको वापस करो, उसके बाद अगली बात हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो पीछे मीटिंग हुई थी, किसान गए, उन्होंने उनके लिए खाना मिल गया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं एनएसपी के ऊपर कि हम लागू? नहीं, कुछ नहीं है, ये सारे ट्रॉफी दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। आप बिहार में और मध्य प्रदेश में देखो, एक मध्य प्रदेश की वीडियो आई थी, 50 किले का मालिक है, उसके अपने मकान को अभी तक खिड़की नहीं लगी, या मेरे जैसा 5 किले का मालिक है उसने कोठी बनाई हुई है और कार है, और वो धक्के खा रहे हैं, कहते हम तो यहाँ के फंस गए। और अमित शाह जी ने इस बार कहा था कि इस मीटिंग के अंदर की एनएसपी हम लागू नहीं करेंगे। जबान से तो बहुत कह रहे हैं 15-15 लाख कर देंगे, इतने रुगात दे देंगे, दिया किसी को? ये तो बातें हैं, कोई टॉफी दे रहे हैं, कोई बात नहीं है इनकी, इनकी बात पर तो विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं करना। जैसे मोदी है, ये तो इसकी बात का तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, इसने तो देश का ही सत्यानाश कर दिया। इसके साथ क्या कर्मचारी वर्ग, लेबर, जो मजदूर यूनियन है, सब किसान के साथ है। अब तो आप देखो दिल्ली जाके के शहर में इतनी मतलब सेवा वाले निकल रहे हैं, सारी दिल्ली मतलब चारों बॉर्डरों में 5 बॉर्डर हैं, 5 बॉर्डरों पर दिल्ली पूरी निकल के चली जाती है। शाम को हम 2 रात रहे हैं, हमारे पास सारा सामान। 27 तारीख का भी कोई प्रोग्राम? 26 तारीख का प्रोग्राम है कि जितने टूल प्लाजा वो सारे फ्री किए जाएंगे हरियाणा में, और वहाँ जाके धरना देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीछे ये दिया है उस तरीके से सारे फ्री किए जाएंगे जी। और जनता को कोई आने जाने में कोई? जनता को कोई दिक्कत नहीं करेंगे, जनता को तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे, क्यों जनता हमारी है, हमारे बाप बहन भाई बच्चे हैं वो हमारे ही हैं, हम किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जनता की पूरी सहूलत को देखते हुए टूल प्लाजा फ्री कराएंगे, जो भी गाड़ी आ जाए तो कहीं पर्ची ना कोई काटे। ठीक है, हाँ देख सकते हैं हमारे साथ किसान भाई इकट्ठे होकर हमारे साथ इन्होंने बात करी।